सर्वप्रथम ये आज बहुत ही हम सभी देशवासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, अवसर है, क्योंकि जब गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया गया था उस समय की स्थितियाँ बहुत भिन्न थी, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने का संसाधन कम थे, पर हमने धीरे धीरे समय के साथ देश में तरक्की करी और आज ये भव्यता का रूप हम देख रहे हैं जिसे हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत ही हर भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और समय है और ये भविष्य की ये योजना है। भविष्य में अगर भारत और भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाकर भारत देश को विकसित करते हैं और एकजुटता के साथ, जिससे आने वाले भारतीय युवाओं अन्य लोगों का भविष्य उज्ज्वल होगा, नए नए रोजगार के साधन होंगे, देश में एक से एक उन्नति तरक्की होगी, बस सत्य हमें देश के लिए और राष्ट्रीय पद पर हम सभी को एक होकर चलना चाहिए और देश की एकता का जो मुख्य उद्देश्य है उसका पालन करना चाहिए। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि भारत और विश्व बहुत ही गंभीर बीमारियों से गुजरा है, जिसका कोरोना ने पूरे देशों को बर्बाद किया है, पर अभी भी उसके कुछ सिम्टम्स बाकी हैं। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस शुभ अवसर पर अगर आप सतर्क रहेंगे तो इसको ऐसे अवसर लगातार आएंगे जिसे हम भव्यता का रूप देंगे। मैं पंडित वाणी प्रताप तिवारी वार्ड के एवं शहर संस्कारधानी एवं मध्य प्रदेश सभी देशवासियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।